हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, टूडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 1 और 5 विच आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशगति एवं विभिन्नता का सिद्धांत। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये हैं ग्रिगर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, सभी लोग इनके नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना खोज सबसे पहले मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, तो हम लोग बच्चों इसमें पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जो जनरल टर्म्स है, जो जेनेटिक के जनरल टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स? अगर कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज जेनेटिक्स, देन व्हाट आर यू से? तो सो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर और स्टडी ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जेनेटिक्स। या आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं बच्चों, वंशगति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को ही जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी कहा जाता है। समझ में आएगा जेनेटिक्स के बारे में। सेकेंड बच्चों, हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, मींस ऑफ स्प्रिंग, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो माँ बाप का कैरेक्टर होता है वह ऑफ स्प्रिंग यानी कि प्रोजेनी यानी कि बच्चों के अंदर चला जाता है, उसी को इनहेरिटेंस कहेंगे। और इनहेरिटेंस जो होता है हेरिडेटरी होता है, मतलब कि इसको सिंपल भाषा में आप लोग ऐसे जान सकते हैं, ऐसे लक्षण या ऐसे कैरेक्टर जो माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी माता पिता से बच्चों में और बच्चों से उनके बच्चों में जाता रहता है, उसको अनुवांशिक लक्षण यानी हेरिडेटरी कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, यही हेरिडिटी होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड इनहेरिटेंस। बच्चों वेरिएशन क्या होता है, व्हाट इज वेरिएशन? तो वेरिएशन का मतलब यह होता है बच्चों, मान लीजिए पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बर्थ लेता है, ठीक है, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बर्थ लेता है वह अपने माँ बाप के सिमिलर नहीं होता है। बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स होते हैं सिमिलर एकदम उन्हीं के जैसे उनके बच्चे भी होते हैं। बट इनके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हम लोग बच्चों बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, मींस अपने माता पिता से पूरी तरह से अलग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड वेरिएशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आफ्टर दिस कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, अ हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग, यानी ऐसा कैरेक्टर जैसे कि जो माँ बाप से बच्चों के अंदर चला जाए उसे कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कैरेक्टर में आई कलर हो गया, ठीक है, आँख का कलर हो गया, और मान लीजिए टालनेस भी हो गया, ड्वार्फनेस भी हो गया, ये सब आते हैं कैरेक्टर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे ट्रेट्स के बारे में। ट्रेट्स वेरियंट ऑफ अ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के अंदर कुछ अलग बदलाव दिखाई दे, यानी माँ बाप का जो आइज का कलर है वो दूसरे कलर को, मान लो कि ब्राउन हो, और जो बच्चे का कलर है उनका मान लो ब्लू हो, या उनका ब्राउन हो और माँ बाप का ब्लू हो, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको दिखाई देगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में थोड़ा सा और भी हम लोग जान लेते हैं। एलिल्स या एलिलोमार्क किसे कहते हैं? तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को ही एलिल्स या एलिलोमार्क कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, टालनेस कैपिटल टी या ड्वार्फनेस, या तो वो लंबा हो या तो दोनों, या तो वो बौना हो, आर टू एलिल्स ऑफ अ जीन फॉर द कैरेक्टर ऑफ हाइट, यानी प्लांट के हाइट के लिए बच्चों कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ही इससे एलिल्स माने जाते हैं। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या होता है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। होमोजाइगस का मतलब होता है द कंडीशन इन विच द क्रोमोसोम्स पेयर कैरी सिमिलर एलिल्स और जीन ऑफ अ जीन, यानी कि बच्चों इसमें दो एलिल्स होगा और दोनों एलिल्स जो आप देख रहे हो वो सेम टू सेम होगा, अगर ये भी है तो ये भी है। ठीक है, इसे कहेंगे होमोजाइगस। लाइक इस यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों ये जो होंगे बच्चों ये प्योर होंगे और ये ट्रू ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल वाई स्मॉल वाई ई टी सी और भी आ सकता है।
हेटरोजाइगस क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम्स पेयर कैरीज डिसिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन। मतलब कि अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कैपिटल भी है एंड ये स्मॉल भी है, मतलब दोनों में आप देखोगे तो ये वेरिएशन पाया जा रहा है, यानी डिसिमिलर एलील्स ये दोनों हैं। जैसे कि आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई स्मॉल ओ, यानी कि ये दोनों कैरेक्टर हाइब्रिड हों, एक ही में ये जुड़े हुए हों, ठीक है ना। ये आप जो देख रहे हैं ये एक तरह का होमोजाइगस है, ठीक है ना बच्चों, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, या तो दोनों स्मॉल हो ये होमोजाइगस, या दोनों का दोनों कैपिटल हो ये भी होमोजाइगस, लेकिन अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल हो जाए बच्चों तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इट इज अ हेटरोजाइगस। इन सब इंपॉर्टेंट टर्म्स का बच्चों आगे यूज होगा। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं, आइए थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं इस इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, तो आइए हम लोग डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेटरोजाइगस कंडीशन इज इंडिकेट विथ कैपिटल लेटर। बच्चों जो अपने कैरेक्टर को हेटरोजाइगस कंडीशन में पूरी तरह से शो करता है उसे प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा हम लोग कैपिटल से इंडिकेट करते हैं, कोई भी चीज लेंगे वहां पे कैपिटल, अगर मान लीजिए टालनेस ले रहे हैं तो कैपिटल टी का यूज करेंगे, मतलब जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा हमेशा उसको कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। व्हाट इज रिसेसिव कैरेक्टर, डियर स्टूडेंट, जो अपने कैरेक्टर को हेटरोजाइगस कंडीशन में अच्छे से शो नहीं कर पाता है उसे हम लोग कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, यानी जो छिपा रहता है कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड इन हेटरोजाइगस कंडीशन इट इंडिकेट विथ स्मॉल लेटर। इसको बच्चों हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर, या तो दोनों स्मॉल टी हो या दोनों स्मॉल और हो, इट इज रिसेसिव कैरेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप, इसको भी समझ लेते हैं। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि आप बाहर से ही देख के किसी चीज के बारे में अच्छे से बता देते हैं वो फिनोटाइप कहलाएगा। एंड व्हाट इज जीनोटाइप, जिसके बारे में आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैरेक्टर, यानी उसके बारे में आप अच्छे से पूरा नॉलेज लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं क्या आखिर है, उसको कहेंगे जीनोटाइप। बच्चों फिनोटाइप मतलब बाहर कैरेक्टर, यानी हम लोग बाहर से ही देख के बता दें कि क्या है कैसे है, वो फिनोटाइप हो गया, और अच्छे से उसको हम लोग कैरेक्टर के बारे में उसका स्टडी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, इट इज कॉल्ड जीनोटाइप रेशियो। ओके, हम लोग को सबको वहाँ पे आगे अभी हम लोग का सब ये जितना भी टर्म्स आपको दिख रहा है ये सब का सब अभी काम आएगा। व्हाट इज हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट। हाइब्रिड क्या होता है, ऐसा कैरेक्टर जो माता पिता से जो बच्चों के अंदर जाता है और वो छिपा रहता है वो होता है हाइब्रिड कैरेक्टर। हाइब्रिड मतलब होता है छिपा हुआ कैरेक्टर, ठीक है बच्चों, जो आगे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पर एक बार आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैरेक्टर्स के बारे में, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो क्लेफ्ट चिन, ठीक है ना, यानी आप जो ये चिन देख रहे हैं जो गाल ये दिख रहा है इस पे क्लेफ्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए चिन पे यानी ठुड्डी पे आपको एक क्लेफ्ट दिख रहा होगा, ये बच्चों जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि अगर मम्मी पापा के अंदर है तो इनके बच्चों के अंदर भी ये क्लेफ्ट चिन का कैरेक्टर जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगर ऐसे मम्मी पापा का किसी का भी कैरेक्टर है, दोनों लोग अगर ऐसे ही है सिंपल है इसमें कोई क्लेफ्ट नहीं है, तो बच्चों के अंदर भी कोई क्लेफ्ट नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये रिसेसिव है, रिसेसिव मतलब होता है छिपा होगा, ठीक है, डोमिनेंट मतलब होगा दिखाई देगा। डोमिनेंट कैरेक्टर में बच्चों विडोज पीक भी आता है, विडोज पीक, ठीक है, विडोज पीक यहाँ पे देख सकते हो ये सभी पार्ट इस तरह से दिख रहे हैं आपको, बट यहाँ पे देखिए नो विडोज पीक, किसी भी तरह का कोई भी पीक नहीं दिख रहा है, नो विडोज पीक। ओके डियर फ्रेंड, यानी डोमिनेंट में विडोज पीक जो है ये डोमिनेंट है एंड ये आपको जो दिख रहा है ये रिसेसिव कैरेक्टर में आता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चीक आपको दिख रहा है यहाँ पे डिम्पल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी मम्मी पापा के अंदर है तो बच्चों के अंदर भी जाएगा, अगर नहीं है ठीक है तो ये रिसेसिव है तो छिपा रहेगा, समझ में आ गया। एंड डोमिनेंट में ब्राउन या ब्लैक हेयर भी होता है, ठीक है,
और ब्लैंड हेयर जो होता है ये रिसेसिव कैरेक्टर होता है डियर स्टूडेंट्स। जस्ट आफ्टर दिस आप डोमिनेंट में फ्रैकल्स भी देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कभी कभी फ्रैकल्स आने लगते हैं चीक के नोज के पास पास, ठीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और रिसेसिव नो फ्रैकल्स, ठीक है। फिर देखिए ब्राउन कलर के जो आइज वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट होता है, एंड ग्रे एंड ब्लू कलर के लोग कम होते हैं क्योंकि ये एक तरह का रिसेसिव कैरेक्टर होता है डियर स्टूडेंट्स। जस्ट आफ्टर दिस हम लोग देखेंगे फ्री ईयर लोब, इसमें किसी भी तरह का कोई भी लोब नहीं होता है, फ्री ईयर लोब होता है, और अटैच्ड ईयर लोब ये बहुत कम होता है, यानी कि देखिए ये पूरी तरह से अटैच नहीं है, ये डोमिनेंट है, बट यहाँ पे किसी किसी में देखेंगे किसी लोगों में तो ये अटैच होता है, यानी मम्मी पापा का भी अटैच होगा, ठीक है। तो यानी ये होता है जो ये रिसेसिव कैरेक्टर होता है और ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग बात करेंगे बच्चों मेंडल्स के बारे में, ठीक है, अच्छे से उनके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है, कब ये खोज किए थे, क्यों मटर पे ही अपना खोज किए थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।